मम्मी का हाथ ऐसे ऐसे लग गया और कट गया। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अभी जो है मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आपने इंडिपेंडेंस डे वाला का ब्लॉग नहीं देखा तो देखना, क्योंकि उसने जो है झंडा वहां पे लगाया था फ्लैग, तो अभी जो है झंडा हमने वहां से हटा दिया था, बिकॉज हवा बहुत तेज चल रही थी ना, तो हवा तेज चलने की वजह से हटा दिया था, तो गिर जाता झंडा, तो झंडा हमने वहां पे लगा दिया था ऊपर, ठीक है, और ऊपर लगा तो दिया है, बट जो है उसमें सरिया में वो जो है फंस गया है, तो हम जा रहे हैं उसे निकालने, ऊपर चढ़ना पड़ेगा उसके लिए, तो ऊपर चढ़ते उसे निकालते हैं, फिर फहरेगा झंडा, अच्छा लगेगा। उसके लिए इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा ना, इसके ऊपर वहां चढ़ना है, चढ़ने के लिए कोई जीना नहीं बना हुआ है, मुझे ये कुर्सी लगा के किसी तरह से सिस्टम बना के चढ़ना पड़ेगा, तो चढ़ते हैं फिर और अपने झंडे को आजाद करते हैं। सबसे पहले ये कुर्सी लगाते हैं और देखते हैं जुगाड़ हो पाता है या नहीं हो पाता कुर्सी से चढ़ने पे। अभी भी बहुत दूर, अभी तो मेरा हाथ भी नहीं पहुंच पा रहा, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा बिकॉज पहुंच नहीं पा रहा मेरा हाथ नहीं, मतलब मैं नहीं पहुंच पा रहा, हाथ तो पहुंच ही जा रहा है, हाथ नहीं पहुंचाना है मुझे, खुद पहुंचना है। इसको ले चलता हूँ, ये जाल है जिससे मोरंग छानी जाती है ना, वही है ये, इससे चढ़ के देखते हैं, चढ़ पाते हैं नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा है। तो ऐसे कुर्सी लगा ली, आप कुर्सी पे चढ़ेंगे, बेस पे पैर रखेंगे, फिर ऊपर चढ़ के देखेंगे चढ़ पाते हैं कि नहीं। तो कुर्सी लगा लेते हैं, अब जो है इस पे चढ़ते हैं, फिर जो है इस पे चढ़ते हैं और अब देखते हैं। हाँ मैं चढ़ तो गया यार, मैं ऊपर चढ़ तो गया, लेकिन ऊपर देखो किसे बांस वांस सारी चीजें रखी हैं, और मेरा पैर देखो यहाँ पे ऐसे चढ़ाऊ मैं, इस पे पहले पैर रखा, अब जो है मुझे ऊपर चढ़ना है, देखते हैं चढ़ पाते कि नहीं, क्योंकि इतना ही आ रहा है, मतलब यहाँ तक मैं आ गया हूँ, ठीक है, अब ऊपर चढ़ के देखते हैं चढ़ पाते कि नहीं, क्योंकि ताकत लगेगी थोड़ी सी। फाइनली चढ़ गया, और ऊपर से बहुत ज्यादा ऊंचा लगता है, इतना भी ऊंचा नहीं है, 10वें खंड पे काम हो रहा है, वहां पे ज्यादा ऊंचा है। अभी झंडे तक पहुंच गए, झंडे को निकालते हैं। फाइनली वाला झंडा निकाल दिया, अच्छा लग रहा ना, लहरने लगा झंडा, और झंडा देखो कितना अच्छा लग रहा है, बहुत तेज फैर रहा है, अच्छा लग रहा है। लेकिन पता है फंसा किस में था, मैं बता रहा हूँ, देखो इसमें फंसा था, इस वाले तार में, ठीक है, तो ये तार को मोड़ देते हैं, नहीं दोबारा फिर फंस जाएगा, अच्छा लग रहा। तो अभी चलना है नीचे, सबसे बड़ी दिक्कत ऊपर तो आ गए, नीचे कैसे जाएंगे, नीचे देखते हैं कैसे जाते हैं, देखते हैं कैसे जाते हैं भैया, आई विल ट्राई। अरे इजी। तो मैं उतर चुका हूँ नीचे, मैं नीचे उतर चुका हूँ। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा सजीवारे नीले आसमाने के तले।
गाइस अभी चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं क्या हो रहा है, मम्मी लोग क्या कर रही, बाकी सारे लोग क्या कर रहे हैं। नीचे नहीं देखा ना मैंने, गए नहीं मैं सुबह से ही ऊपर टहल रहा तो सॉरी तैयार हो चुकी है। ये क्या कर रही, ये देखो सॉरी हाथ में क्या बांध रही है, क्या बांध रही बताओ, पट्टी क्या बांध रही है। कल सॉरी मार खाई थी स्कूल में तो हाथ फूल गया है तो इसीलिए बांधी है। छोड़ने वोड़ने हम नहीं जाएंगे, पैदल जाना सीखो, पैदल जाओगे तो खून चलेगा, खून दौड़ेगा। तो गाइस मैं खाने जा रहा हूँ नाश्ता, मैं खाने नहीं जा रहा हूँ नाश्ता करने जा रहा हूँ, मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ। अभी आलू लेके आया था, आलू बहुत महंगा हो गया, मम्मी कह रही आलू खाना छोड़ दो। समझे आलू हमको अच्छा लगता है, आलू गोभी मटर टमाटर सोयाबीन ये सब की सब्जी हमको अच्छी लगती है। बैगन बैगन भी खा लेंगे, चलो ठीक बैगन भी खा लेंगे, बैगन खा लेंगे, शिमला मिर्चा भी खा लेंगे सब्जी के साथ, ऐसा नहीं शिमला मिर्चा अलग से, शिमला मिर्चा खा लेंगे। इसके बाद परवल और ये सारी चीजें, ये सब भिंडी ये सब अच्छी लगती, ये सब बेकार लगती। तो अभी करते हैं नाश्ता और इसके बाद आगे का ब्लॉग शूट करते हैं, मजा आएगी आज काम करेंगे ना, काम करने में मजा आएगी। सो गाइस अभी जो है टाइम 10 बज गया है, पापा 8 बजे काम पे चले गए थे, मैं अभी नहीं गया हूँ, मैं अभी घर में ही हूँ और मम्मी ने फसल से हाथ काट लिया मम्मी ने देखो हाथ काट लिया है, उंगली काट ली, हाथ थोड़े ना लिया ऐसे ही कट गया है। फसल से कैसे काटे बताइए, जान से थोड़े ना हाथ काटे लग गई है फसल से। गाइस ये वाला फसल है माया, इससे मम्मी सब्जी काटती है, चाकू से नहीं काटेंगे इससे काटेंगे, और इसमें होती है बहुत ज्यादा धार, बहुत तेज धार होती है, चाकू से भी बहुत तेज धार होती है इसमें, और इसमें मम्मी का हाथ ऐसे ऐसे लग गया और कट गया। तो मम्मी ने टेप लगा लिया है तो फिर हम काम बना जाए, फिर काम करा घर का नहीं जाओ, क्योंकि अभी बहुत काम करना है, बर्तन वर्तन धुला तो इसमें गीला हो जाएगा, ठीक है ठीक है, हमें काम कैसे करके कर लेंगे, क्या करेंगे क्या पता है। जाओ काम पर, सब्जी जो मम्मी ने सारी सब्जी काट ली थी, आलू काट रही थी, इतने नहीं है हाथ कट गया, तो अभी ये है ना स्प्रिट मैंने डाला है तो खून बंद हो गया है, बाकी अभी हाथ में लग तो रही होगी मम्मी ना। हाँ लग रही है, कट गया थोड़ा ज्यादा कट गया है, चोट लगी मम्मी। तो अभी जब एक काम करते हैं, पहले तो बर्तन अभी खूब निकलेगा ही, अभी बर्तन निकलेगा तो धुल देंगे, वो आ जाएगा बर्तन अभी निकलेगा धुल देंगे। तो मम्मी अभी खाना बनाने जा रही थी, खाना बन ही गया था, चावल तो बन ही गया है, दाल मथे के है वो चना के दाल है, देर से सीज रहा है चना के दाल, चना के दाल सीज गया, मथनी से मथना पड़ेगा उसको। अच्छा चना का दाल बन रहा है, चना का दाल में टाइम लगता है, चना का दाल में टाइम लगता है, जल्दी नहीं सीजता, जल्दी नहीं सीजता वो। तो यार देखो ऐसा नहीं, मम्मी का हाथ कट गया तो हम काम कराएंगे, जितना भी करा पाएंगे कराएंगे, बाकी काम पे भी जाएंगे, दोनों काम जरूरी है, सारे काम जरूरी है सारे। तो गाइस बस आज का ब्लॉग जो यहीं पर यहीं तक रहेगा, आज का ब्लॉग जो एंड कर रहे हैं, बिकॉज अब मुझे जो है नहाना है और फ्रेश होना है, इसके बाद जो हम काम पे जाएंगे और काम करेंगे, है ना। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो चैनल को पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।